नमस्कार, आप देख रहे हैं News4Nation और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। बिहार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का हर चरण संपन्न हो चुका है। ऐसे में बीते 15 दिसंबर तक सभी चरणों के परिणाम घोषित किए जा चुके हैं। अब बारी है सभी नव निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के शपथ ग्रहण की। बता दें कि आज यानी 24 दिसंबर से पंचायत चुनाव के जीते हुए सभी जनप्रतिनिधियों का शपथ ग्रहण कराया जाएगा। इसको लेकर राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से तमाम तैयारियां की जा चुकी है। साथ ही साथ इस शपथ ग्रहण में खास बात यह होने जा रही है कि इस बार जनप्रतिनिधियों को दो शपथ ग्रहण कराई जाएगी। पहली शपथ तो उनके पद को लेकर होगी और दूसरी शपथ नशा मुक्ति को लेकर होगी। यह दूसरा शपथ सरकार के तरफ से जोड़ा गया है, जिसे बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ऐसे में क्या कुछ खास और अलग होने जा रहा है इस बार बिहार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के शपथ ग्रहण के दौरान, और क्या कुछ देखने को मिलेगा जनप्रतिनिधियों के शपथ ग्रहण के समय, आइए इसकी पूरी अपडेट आपको देते हैं। बिहार में 24 दिसंबर से गांव की नई सरकार प्रभाव में आ जाएगी। जी हां, शुक्रवार से प्रदेश के नवनिर्वाचित मुखिया और सरपंच का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित होना शुरू हो जाएगा। शपथ ग्रहण का यह कार्यक्रम 31 जनवरी तक चलेगा। इस बार का यह समारोह अपने आप में अनूठा होगा। पंचायती राज के नवनिर्वाचित प्रतिनिधियों को नशा मुक्ति की भी शपथ दिलाई जाएगी। इसका उद्देश्य बिहार में शराबबंदी के अभियान को जमीनी स्तर पर लाना है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव संपन्न होने के बाद से ही नए चुने गए मुखिया और सरपंच को इस दिन का इंतजार था। जानकारी के अनुसार पंचायती राज के नवनिर्वाचित प्रतिनिधियों का शपथ ग्रहण समारोह 24 दिसंबर से शुरू होकर 31 दिसंबर तक चलेगा। इस दौरान प्रदेश भर के पंचायत प्रतिनिधियों को शपथ दिलाने की औपचारिकताएं पूरी की जाएंगी। राज्य निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश के तहत शपथ ग्रहण की प्रक्रिया संपन्न होगी। इस बार जनप्रतिनिधियों को दो तरह की शपथ दिलाई जाएगी, पहला संबंधित पद की और दूसरा नशा मुक्ति के लिए। बिहार पंचायत चुनाव में जीत दर्ज कराए वार्ड सदस्य से लेकर मुखिया, सरपंच, पंच और दूसरे नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों को यह शपथ संबंधित बीडीओ या सीओ द्वारा दिलवाया जाएगा। इसे लेकर तैयारियां पूरी की जा चुकी है। इस बार जनप्रतिनिधियों को नशा मुक्ति के लिए अलग से शपथ लेना होगा। नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों को पहले से ही बताया जा चुका है कि उन्हें पहली शपथ पद और गोपनीयता की लेनी होगी, जबकि दूसरा शपथ नशा मुक्ति की दिलाई जाएगी। गौरतलब है कि बिहार में शराबबंदी कानून का मामला अभी तक पूरी तरह से गरमाया हुआ है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी अभी समाज सुधार अभियान के तहत प्रदेश के विभिन्न जिलों में पहुंच रहे हैं, जहां प्रमंडलीय सम्मेलन में जन सुधार अभियान में उनका जीविका दीदियों से सीधा संवाद हो रहा है। शराबबंदी को मजबूती से लागू करने के लिए ही सीएम अधिकारियों के साथ मैराथन बैठक कर रहे हैं। सीएम खुद तमाम तरह के निर्देश भी दे रहे हैं। ऐसे में जहां एक तरफ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से शराबबंदी को सफल बनाने की कवायद जोरों शोरों से जारी है, वो अपने स्तर से समाज सुधार अभियान पर निकले हैं, सभी जिलों में समीक्षा बैठकें करते हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आज बिहार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के शपथ ग्रहण की शुरुआत होने जा रही है। और इस शपथ ग्रहण में नशा मुक्ति को जमीनी स्तर पर लाने के लिए जनप्रतिनिधियों से नशा मुक्ति की दूसरी शपथ भी दिलाई जा रही है। ये कवायद बिहार सरकार की तरफ से जारी है। फिलहाल के लिए इतना ही है। कई अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए News4Nation में। नमस्कार।